सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बता दूँ कि जब आप फोन पे के थ्रू कहीं पैसा भेज रहे हैं तो फाइनली देखिए आपके सामने का जो पेमेंट है वो यहाँ पे फेल हो जा रहा है, और फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए ऑप्शन बैंक नॉट अवेलेबल का आपके सामने इशू आ जा रहा है। तो फाइनली गाइज मैं आपको यही बता दूँगी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है आप इसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाए और फाइनली गाइज आपके फोन पे के थ्रू आपका जो पेमेंट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, जो पेमेंट यहाँ पे फेल ना हो। तो सिंपली गाइज अगर आप वाकई में इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो सिंपली गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रही और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइस अब चलिए बताता हूँ कौन सा एक स्टेप है जिसको फॉलो करिए आप बहुत जल्दी आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस अभी चलिए मैं आपको यहाँ पर शुरू से बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, अपने फोन एप्लीकेशन से यहाँ एग्जिट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे तो सिंपली जब क्या करना है, आपके फोन में जो फोन एप्लीकेशन है इस पर आप प्रेस करके रखेंगे 2-3 सेकंड के लिए। आप सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए जैसे रखेंगे प्रेस करके तो यहाँ पे देखिए आपको डिलीट का आइकन मिलेगा, तो आप यहाँ डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे या फिर गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल का, तो आप यहाँ अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो ओवरऑल मिला जुला करिए गाइस आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन से आपका जो फोन एप्लीकेशन है आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे। आप सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो एप्लीकेशन है अनइंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए गाइस मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अब सिंपली गाइस आप क्या करेंगे, अभी गाइस आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं आप गाइस इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ टाइटल पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे और सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपको फोन पे का लिंक मिलेगा, तो सिंपली गाइस आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट कर देगा, तो सिंपली गाइस आप यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस फोन पे को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में। अब देखिए एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे। अब देखिए जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने से लॉगिन पेज ओपन होगा। तो भी आपको सिंपली क्या करना है, अभी आप अपने फोन पे में आप जो बैंक ऐड करेंगे तो आपके उस बैंक से आपका जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरह से हमारे नंबर को एंटर करेंगे और कैच आप यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस आपसे आपके फोन पे का यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली गाइस आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से गाइस आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे लॉग इन OTP। अब देखिए गाइस इस तरह से आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा और यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइस आप यहाँ पर सभी परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ करेंगे। सो गाइस अब देखिए आपके सामने आपके फोन पे का जो होम इंटरफेस होगा देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो भी आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइस आपके सामने आपके फोन पे का जो प्रोफाइल डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। तो सिंपली गाइस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन का बैंक अकाउंट का, तो यहाँ बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेल गाइस अब देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस आपके फोन पे में इतने बैंक अकाउंट ऐड होगा उस बैंक की सारी स्टेटस आ जाएगी ओपन करके। तो भी गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था उस बैंक को आप यहाँ ऐड करेंगे, या फिर गाइस अगर पहले से ऐड है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब गाइस आपको दोबारा यहाँ से पेमेंट करना है। अब देखिए जैसे आप बैक होकर के आ जाते हैं फोन के होम एड्रेस में, तो अब गाइस यहाँ से आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उनको पैसा सेंड करेंगे। चलिए यहाँ से मैं ट्रू मोबाइल नंबर पर क्लिक करता हूँ और सिंपली गाइस यहाँ पे मैं रैंडमली किसी को चूज करता हूँ पैसा सेंड करने के लिए। जैसे चलिए गया जहाँ से मैं चूज कर लिया हूँ, अब सिंपली गया चलिए यहाँ पे मैं 5 रुपये सेंटर करके सेंड करता हूँ। अब यहाँ पर देख मैं 5 रुपये सेंटर किया, अब गाइस मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब सिंपली आपके बैंक का जो भी पीआई पिन होगा उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। इस तरह से आप यहाँ पीआई पिन फिलअप करेंगे और आप यहाँ राइट मार पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख मेरा जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग में है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख मेरा जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे सेंड हो चुका, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से गाइस आप यहाँ पर बहुत इजीली फोन पे में बैंक नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।